हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स एक्सपायरी के लिए। तो सबसे पहले हमने ऐप ओपन कर लिया है एंजल वन, जिसमें हम बैंक निफ्टी ओपन करेंगे। जो बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग है -39.40 पर है, और कल क्या होने वाला है, कल देखिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो लग रहा है बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा। तो यहाँ पे कुछ हमने ऑलरेडी कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो कर रखे हैं। देखिए, ये हमारा जो रेजिस्टेंस था 43,076 से 43,089, तो ये वाला हम पहले वीडियो में बता चुके थे एंड आज भी इसने वर्क किया। इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, काफ़ी ऊपर गया। ये जिसका लो था 43,076 एंड हाई था 43,311, तो काफ़ी अच्छा मूव दिया ये सपोर्ट को, ये सपोर्ट लेकर भी। और जो हमने उसे प्रीवियस डे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा था, उसको भी आज इसने रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस को टच करके अगेन डाउन आया। ये देखिए, सेफ्टी के लिए आपके यहाँ पर ट्रेंड लाइन ले सकते हैं। इसको लो को मिलाते हुए, इसके लो को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाएंगे। नो तो देख लेते हैं मार्केट क्या करने वाला है कल। अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए डाउन आता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रहने वाला है 43,184। एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारी सपोर्ट, आप यहाँ पे भी वैसे इसको भी सपोर्ट मान सकते हो, जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी 43,108, इसको भी आप टारगेट मान सकते हो। और इसको भी, रेजिस्टेंस को भी टारगेट मान सकते हो, कहीं पर भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड जो अपसाइड रहेगा, अपसाइड हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा 43,470 से 43,479 तक। तो अगर ये हम बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस 43,344 से 43,357 को अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो कॉल साइड अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये हाँ रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए डाउन आता है, तो डाउन साइड भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और वैसे भी कल एक्सपायरी है, कल अच्छा मूव रहने वाला है। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो ये हमने बता ही दिया है, 43,470 के नज़दीक टारगेट रहेगा। आप वैसे बीच में भी कहीं पे भी बुक कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल रहें। और जो पुट साइड अगर ट्रेड लेनी है आपको, देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आप ट्रेड ले सकते हैं, फिर अगर रेजिस्टेंस को टच करके डाउन आने की कोशिश करता है, तब भी आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं। और जो आपका टारगेट है, जो हमने बता रखा है टारगेट 43,184, यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी बाई कर वो सॉरी सेल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी आप होल्ड रख सकते हैं इसके ब्रेकडाउन की। अगर ब्रेकडाउन नहीं देता है, अप जाता है, तो आप सारी क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फाइनली हम देख लेते हैं जो आज का हमारा एनालिसिस था, ये सिंपल। देखिए, एनालिसिस इतना इजी है कि कोई भी बिगिनर आसानी से समझ सकता है और आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकता है, अगर हाँ आप सेम एनालिसिस को फॉलो करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने इतनी इजीली आपको बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे भी एंट्री होती कहीं पे भी, तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर हाँ ये आप रेजिस्टेंस को फॉलो ना करते हुए ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ट्रेड लेते, तो भी काफ़ी अच्छा मूव आप बुक कर सकते थे कॉल साइड। और उसके बाद देखिए, हमने भी ये लगा रखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कम्प्लीटली इसको फॉलो किया। तो देखिए, बताते हैं आपको कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेनी है। तो कल ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी गैप अप होने वाला है शायद,
हल्का सा ही गैप अप होगा। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे तो आप मॉर्निंग में ही रेडी रहना ट्रेड करने के लिए। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी क्योंकि फेक ब्रेकआउट मिलने की संभावना रहती है सुबह के टाइम में। तो आपको कम ही क्वांटिटी लेनी है और बहुत फास्ट ट्रेडिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ ही गई होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी हम आपको लाइव मार्केट में लेवल प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पर एंट्री लेनी है सारी चीज़ें। तो चलिए कल मिलते हैं मार्केट में, यूं ही बने रहिए हमारे साथ और अपने कैपिटल का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।